हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट आशीष सिंह। आज हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो आप इसे नहीं पहचान पा रहे होंगे। अगर आप मेरे बताने से पहले इस गाड़ी को पहचानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताएं। ये गाड़ी है ह्यूंडई की सेंट्रो जिंक, जो कि 2005 का मॉडल है। ये गाड़ी लगभग 17 साल चल चुकी है, फिर भी इसका इंजन देखो यार, सेंट्रो ह्यूंडई वालों ने कितना अच्छा इंजन दिया है इस गाड़ी का। माफ़ करिएगा, सेंट्रो वालों ने, ह्यूंडई वालों ने दिया है, कितना अच्छा इंजन दिया है इस गाड़ी का, जो ये अभी तक एकदम स्मूथली चल रही है। लगभग 2.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और आप इस गाड़ी का लुक देखो भाई, इस गाड़ी का लुक देखो। आपको वैगनार हो गई, आपकी ऑल्टो हो गई, उस समय के हिसाब से तो बेस्ट थी। आज के हिसाब से भी देखो आप, एक्सप्रेसो, जो मारुति की एसयूवी आती है एक्सप्रेसो, उस हिसाब से भी आप देख लो, इसका लुक ज़्यादा अच्छा है कि एक्सप्रेसो का। ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि इसका लुक आपको कैसा लगा एक्सप्रेसो के मुकाबले। जी, इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। उस टाइम के हिसाब से तो बेस्ट था, लेकिन आज के हिसाब से हो सकता है आपको अच्छे ना लग रहे हों। और ये देखिए, इसका टायर काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये छोटे नहीं भाई, 13 इंच के हैं। और देखिए इस गाड़ी का साइड मिरर, इस गाड़ी का जो साइड मिरर है या ORVM है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज भी क्विड में, वैगनार में आपको हाथ से एडजस्ट करने वाले ही आएंगे। सोचिए फ्रेंड, 13 साल में टेक्नोलॉजी आगे गई है, 17 साल में, माफ़ करिएगा, 17 साल में टेक्नोलॉजी आगे गई है या पीछे गई है। और इस गाड़ी का डोर हैंडल देखिए कि आप इस गाड़ी का डोर ऐसे खोल सकते हैं। ये डोर हैंडल आज भी आपको काफ़ी गाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको इस गाड़ी का हम थर्ड साउंड सुनाते हैं। ये देखिए कितना VIP साउंड है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो इस गाड़ी में आपको रेयर भी ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको ह्यूंडई की बैजिंग देखने को मिलेगी, राइट साइड में आपको सेंट्रो जिंक की बैजिंग देखने को मिलेगी। बात करें इस गाड़ी के नंबर की, तो आज ये नंबर मेरे हिसाब से लगभग 1 लाख रुपये का है। तो सोचिए फ्रेंड्स, इस गाड़ी से महंगी आज के डेट के हिसाब से इस गाड़ी का नंबर है। अब आइए बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ जो मुर्चे वर्चे लग गए हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि ये 17 साल से है गाड़ी, चार पाँच साल से ये खड़ी है। तो देख लीजिए आप, थोड़े बहुत मुर्चे वर्चे लग गए हैं गाड़ी में, इधर भी लगे हुए हैं। अब इस गाड़ी का एक फीचर ऐसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हो सकता है आपको करोड़ों की गाड़ी में भी ना देखने को मिलता हो। ये देखिए, ये फीचर है। जैसे मैंने अगर इस गाड़ी के लॉक को, इस डोर को अगर मैंने बंद कर लिया, तो ये डोर अब अंदर से नहीं खुलेगा। अब इस डोर को मुझे ऐसे हाथ डाल के बाहर से ही खोलना पड़ेगा, जो आपको लाखों की गाड़ियों में भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो ये हैं AC वेंट्स इस गाड़ी के, ये हैं आपका म्यूज़िक सिस्टम, जो कि अब ख़राब हो चुका है। सोनी का म्यूज़िक सिस्टम है भाई, सस्ता वस्ता मत समझना, बहुत महंगा म्यूज़िक सिस्टम था उस टाइम का ये। अब बात करें, इस गाड़ी में आपको मिलता है मैनुअल AC, ये इस गाड़ी का गियर नॉब, एंड कैब रेटिंग में तो ये गाड़ी नंबर 1 होगी जैसे आवाज़ कर रही है। ये है इस गाड़ी का IRVM, ये देखिए इसका सनशेड, जिसमें आपको मिल जाता है एक वैनिटी मिरर, ये पैसेंजर साइड का सनशेड है। ड्राइवर साइड में आपको मिलता है एक टिकट होल्डर। ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आप बात करें इस गाड़ी का, देख रहे हैं कैसी आवाज़ आ रही है। इस गाड़ी में आपको सेंट्रल लॉकिंग देखने को नहीं मिलती है। इस गाड़ी की मैं की दिखाना आपको भूल गया हूँ, इस गाड़ी में एकदम साइकिल वाली की मिलती है। ये देखिए, ये है साइकिल वाली की। इस गाड़ी से आप अपने साइकिल का भी ताला खोल सकते हैं। अब देखिए इस गाड़ी का रेयर सीट्स। अब मैं तो फंस चुका हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इस गाड़ी का जो है, मुझे अपना हाथ डाल के इस गाड़ी को खोलना पड़ेगा। शीशा बंद होने की वजह से मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को बुलाया है जो कि हमारा दरवाज़ा खोलने के लिए आया है, डोर ओपन करने के लिए आया है। देखिए, ये फ़ीचर आपको लाखों की कार में भी नहीं मिलेगा। अब आ गए हैं हम इस गाड़ी के ड्राइवर साइड पे। इस गाड़ी का डोर क्लोज़ करते इसमें आती है बहुत तगड़ी वाली आवाज़। तो आपके हिसाब से इस गाड़ी की एनकैब रेटिंग कितनी होनी चाहिए थी? ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब लगाते हैं इस गाड़ी में की। ये देखिए, यहाँ आपकी लगेगी की इस गाड़ी की। ये है आपका डेड पैडल, जो उस समय की गाड़ी में आता था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आइए चलते हैं इस गाड़ी के रेयर लुक के तरफ, रेयर की तरफ। एक बंदा रखना पड़ता है भाई इस गाड़ी को खोलने के लिए, अकेले आप इस गाड़ी को नहीं चला सकते। इस गाड़ी में आपको लेग रूम तो अच्छा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठाक सा है। 2 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, तीसरे को बच्चा हो तो बैठ सकते हैं। बस चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का मेन पार्ट, जिसे हम दिखाने के लिए आपको इस गाड़ी को दिखा रहे हैं इतनी देर से। पहले ओपन करते हैं इस गाड़ी का बूट, यहाँ से होता है इस गाड़ी का बूट ओपन। अब चलते हैं पीछे की तरफ।
बूट ओपन करते ही आपको दिख रहा होगा सीएनजी का टैंक, लेकिन घबराइए नहीं फ्रेंड्स, ये आफ्टर मार्केट सीएनजी है, कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं है। तो काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि 4-5 साल बाद गाड़ी चलने के बाद सीएनजी पे ख़राब हो जाती है, इसका इंजन रफ हो जाता है, घिस जाता है, लेकिन इस गाड़ी ने कम से कम 17 साल तो पेट्रोल पे और सीएनजी दोनों पे चली है, लेकिन बात करें केवल सीएनजी की तो लगभग 15 साल ये गाड़ी सीएनजी पे चल चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। सीएनजी का टैंक आपको वैसा का वैसा दिख जाएगा। 24 का एवरेज निकाल लेती है सिटी में, हाईवे पे लगभग आपको 27-28 का एवरेज देखने को मिल जाएगा। और इसमें कोई सिक्वेंशियल किट नहीं लगी है, इसमें नॉर्मल वाली किट लगी है। अब कौन सी कंपनी की लगी है ये तो हमें नहीं पता है, क्योंकि बहुत पहले लगाई गई थी, तब उस समय सीएनजी का प्राइस 15-16 रुपये पर केजी था। तो फ्रेंड्स, फर्जी अफवाहों से दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो आपको कहते हुए मिल जाएं कि आफ्टर मार्केट सीएनजी के कुछ साल बाद ही गाड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी। बस आपका कारीगर अच्छा होना चाहिए जो आपकी गाड़ी में सीएनजी लगा रहा है, तो आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रूफ के लिए आपको ये गाड़ी उसे ये वीडियो आपको उसे दिखा देना है जो आपको ऐसा कहता हुआ मिल जाए। अब हम इस गाड़ी का ले चलते हैं इंजन की तरफ, पहले ओपन करते हैं उसके लिए इसका बोनट। यहाँ से ओपन होगा भाई, एकदम VIP बोनट दिया। आज भी i20 वगैरह में भी ऐसे ही ओपन करने के लिए आता है बोनट। तो इस गाड़ी में आपको मिलेगा 1100cc का पेट्रोल इंजन, जो कितने BHP की पावर जनरेट करता है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि ये 17 साल पुरानी गाड़ी है, तो ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था कि कितने BHP का पावर जनरेट करता है। अगर आपको पता चलता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थोड़ा सा गंदा इंजन मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी दिन से साफ ऑफ नहीं हुआ है, अब ये खड़ी ही रहती है। अगर आपको ये गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो भी शेयर करें।